सो गाइज, इविल डेड का मैंने अभी ट्रेलर देखा और मतलब क्या ही बवाल ट्रेलर है। तो जैसे भी ये गोर वायलेंस वाली हॉरर मूवीज़ पसंद है ना, उनके लिए तो भाई ये खजाने से कम नहीं, क्योंकि इविल डेड अपने आप में एक बेंचमार्क है गोर वायलेंस और हॉरर कैटेगरीज में, जिसका सारा क्रेडिट जाता है सैम रेमी को। सैम रेमी ने इविल डेड यूनिवर्स 1981 में शुरू किया था, जिसकी अभी ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है। 2013 वाली आपने इविल डेड तो देखी होगी, जिसका अगला सीक्वल एश वर्सेस इविल डेड की सीरीज थी, जिसको उसमें कंटिन्यू किया गया था। तो भाई ट्रेलर की बात करूँ तो इविल डेड के दो ट्रेलर रिलीज हुए हैं, एक है रेड बैंड और दूसरा है ग्रीन बैंड। ग्रीन बैंड वाला जो ट्रेलर है उसमें थोड़ा सा हॉरर टेंशन को दिखाया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करा है। वहीं रेड बैंड वाला जो ट्रेलर है भाई, वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा, मतलब इतना खून खराबा, और आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इविल डेड से। तो भाई ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि बेथ है जो अपनी बड़ी बहन एली से मिलने आती है, जो एले के किसी अपार्टमेंट में अपने तीन बच्चों की परवरिश कर रही है, मगर कोई इसी बीच में नेक्रोनॉमिकन पढ़ देता है और शुरू हो जाता है खून खराबा। मतलब वो सारे डीमन्स उठ जाते हैं, वो मांस खाना, वो कांच खाना, और ट्रेलर में जैसे दिखाया गया है वो पीलिंग नाइफ से स्किन पील कर रही है। तो भाई आगे मूवी में पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। एंड जैसा कि सुनने में आ रहा है, मे बी कि ब्रूस कैम्बल भी इसमें रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ब्रूस कैम्बल का जो एश का रोल है वो एक सेवियर की तरह दिखाया है और उसी की तरह पोर्ट्रे करते हैं इस मूवी में। तो अगर ऐसा करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने का। तो चलो देखते हैं, बाकी कौन कौन एक्साइटेड है इस मूवी के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।